हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाजार पर। दोस्तों 8 जुलाई का आज दिन है और डेफिनेटली दोस्तों ग्रे मार्केट्स में एक अलग ही तेजी दौड़ती हुई देखने को मिल रही है। हर एक आईपीओ की ग्रे मार्केट में तेजी है, प्लस एक नया आईपीओ मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। उस नए आईपीओ पर बात करेंगे और उसकी ग्रे मार्केट दोस्तों 60% ऊपर चल रही है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाकर चले। दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज 8 जुलाई का दिन था, सैटरडे का दिन था, और अगर अपन कल बात करें तो गिफ्ट निफ्टी ने ओवरनाइट लगभग 58 पॉइंट्स की तेजी करी, और डेफिनेटली जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट हुई है लास्ट सेशन में, आई थिंक सो अब मार्केट आपको रिकवरी करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अपन बात करें अपकमिंग आईपीओ की, तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ। तो ये दोस्तों आईपीओ लॉन्च होता हुआ देखने को मिल रहा है और काफी आकर्षक वैल्यूएशंस पर कंपनी अपना आईपीओ लाई है। और वैसे भी बैंकिंग सेक्टर अभी बूम में है, पीएसयू बैंकिंग्स में एक शानदार मोमेंटम है। आपने देखा होगा पीएनबी का शेयर 60 के पार चले गए, तो ये काफी इंडिकेशन है दोस्तों कि बैंकिंग सेक्टर में फिर से तेजी लौटती हुई देखने को मिल रही है। और अगर अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2023 में मार्च क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 404 करोड़ पर रहता हुआ देखने को मिला था और 2800 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहता हुआ देखने को मिला था। एसेट्स की बात करें तो लगभग 15000 करोड़ के कंपनी का एसेट्स है, एंड डेफिनेटली काफी अच्छे कंपनी के वैल्यूएशन से। अगर अपन बात करें इसकी ग्रे मार्केट की, तो लगभग इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों 15 रुपए ऊपर चलती हुई देखने को मिल रही है, और डेफिनेटली दोस्तों 23 रुपए का प्राइस बैंड है, 15000 का निवेश है। डेफिनेटली दोस्तों जिसको भी आईपीओ मिलेगा काफी तगड़ा मुनाफा उनको होता हुआ देखने को मिलेगा, और मेरी यही सलाह है कि आईपीओ में जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। अब अगर अपन आगे बात करें आईपीओ नंबर 2 की, तो वो है दोस्तों सैंको इंडस्ट्रीज का आईपीओ, और इसका अलॉटमेंट जो है वो लगभग 11 तारीख तक आपको आपके आता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड कैसे आपको अलॉटमेंट चेक करना है, तो दोस्तों के फिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर अलॉटमेंट आउट होता हुआ देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट का पूरा जो वीडियो है वो चैनल पर जल्दी आउट हो जाएगा। एंड अपन बात करें अब इसकी ग्रे मार्केट की, तो लगभग 36% ऊपर इसकी ग्रे मार्केट चल रही है। बता दूं आपको इसकी हाईएस्ट जो ग्रे मार्केट थी वो लगभग 124 रुपीज रहती हुई देखने को मिली थी, और अभी लगभग 9 रुपए नीचे इसकी ग्रे मार्केट चल रही है हाइस से। तो डेफिनेटली ये गौर करने वाली बात होगी इस आईपीओ के अंदर। अब अगर बात करें दोस्तों अगले आईपीओ की, तो वो है दोस्तों साइएन डीएलएमएम का आईपीओ, और इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों डेफिनेटली लगातार तेजी है इसकी ग्रे मार्केट में, लगभग अपने हाइस पर इसकी ग्रे मार्केट चल रही है, और इसकी लिस्टिंग जो है वो मंडे को होती हुई देखने को मिलेगी, और इसका डेफिनेटली दोस्तों वीडियो जो है वो चैनल पर जल्दी आउट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड अपन बात करें इसकी ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट दोस्तों इसकी 150 रुपए ऊपर चल रही है, लगभग 56% का इजाफा दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट में होता हुआ देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जिसको भी आईपीओ मिल चुका है, डेफिनेटली आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। मिनिमम डेफिनेटली मेरा यही कहना था कि 50% का तो मुनाफा जरूर होता हुआ देखने को मिलेगा, और जिस हिसाब से आज की ग्रे मार्केट चल रही है चांसेस आर वेरी हाई कि 60% के आसपास की लिस्टिंग जो है वो आपको इस आईपीओ में होती हुई देखने को मिल सकती है। दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। इस वीडियो में हमने 3 आईपीओस के बारे में डिस्कस किया, नए आईपीओ के बारे में डिस्कस किया, एंड पूरा डिटेल जो वीडियो है नए आईपीओ का वो जल्दी चैनल पर आउट हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।